बाबूजी ये झूठ बोलता है। अब आज देखिए आप रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है। अरे ये सब टांग डालने के पहले समझना चाहिए था ना। अरे ये तो बुढ़ा है। और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इस शहर के हर आदमी की जुबान पर तुम्हारा नाम है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा? ये नवा सिस्टम है, कंपटीशन चल रहा है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, ये कौन है, कौन हो भाई? तभी हम समझ गए कि कोई चाल है। रुपया कमजोर होता जा रहा है, इसका दिमाग बरोबर नहीं है, है ना? नहीं जी, अब मैं उड़ के ही आ जाता है, कितनी बार तुझको समझाएंगे बे? अलग है टर्न। विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो सपना था क्या? सपना रहा। तू कुत्ते की तरह मुंह मार रहा था, मगर हम खाया। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं। सुबह सुबह चढ़ा कर आए हो, हाँ? इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल। कहाँ गए तुम, अरे ढूंढ रहे हम। टोपी पहना के चला गया। अरे कॉमेडी मत करो, ट्रेजेडी हो जाएगी। ऐसे नहीं होता ना, तो मैं शासन में बैठा हूँ, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अबे ओ बुढ़िया खच्चर, नेताओं का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती। मुझे उस आदमी की गिरफ्तारी तुरंत चाहिए, बस। श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। कुछ भी करने से पहले सोचते विचारते हो गए नहीं? क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, इस आपसे जवाब मांग रहा है। क्या पत्ते हो? ये मजा क्यों आ रहा है ना?